साल आ गया हम। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग इंद्रु गांव आए हैं और अमित कुमार का घर है यहाँ पर, और यहाँ क्या है मजदूर कुछ काम कर रहे थे और ऐसे में जो है उन्हें कोबरा साहब गेहमन साहब बता रहे हैं, वो दिखा है। तो पहले हम देखते हैं उधर का खेल देने उधर खुले चलते है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ ईंटों के बीच में जो है ये कोबरा सांप है और छिप के बैठा हुआ है साथियों, देख सकते हैं। तो इसे काफी सावधानी से निकालना होगा हमें, क्योंकि देख पा रहे हैं यहाँ ईंटों का ईंट रख के जो है दीवार बनाई गई है और लगभग हमें लगता है एक लाइन हमें ईंट हटाना पड़ेगा, और क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वहां से शुरू करेंगे तो दीवार क्या है झुकी हुई है, भड़क सकती है, गिर जाएगी, तो ऐसे में सांप क्या है दब सकता है और मर भी सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कुछ सांप को कोई नुकसान पहुंचे, बहुत सावधानी से ऐसे निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हमें काफी सावधानी से एक एक ईंट को बचाते हुए निकालना पड़ रहा है, वरना क्या है कि सांप के ऊपर अगर ईंट गिर गई तो सांप दब के मर सकता है। अब हम लोग सांप के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो हमें काफी सावधानी से एक ईंट बचाते हुए निकालना पड़ रहा है, यहाँ पर कहीं भी सांप का मुंह हो सकता है। दोस्तों अब हम लोग काफी नजदीक पहुंच गए हैं, अब हमें बस सांप दिखने ही वाला है। सकते हैं किस तरह से सांप यहाँ छोटी सी जगह में खुद को एडजस्ट करके बैठा हुआ है एक कोबरा सांप, और ये ज्यादा बड़ा कोबरा नहीं है दोस्तों। तो काफी हमें इसे सावधानी और प्यार से निकालना होगा। तो देख सकते हैं ये कोबरा सांप क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पर हमें लगता है ईंट से दब गया था, जिस वजह से वो ज्यादा आगे पीछे नहीं कर पा रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है इसका, ये पार्ट जो है बॉडी पार्ट, ये थोड़ा सा दबा हुआ था और इस वजह से कोबरा वहाँ से भाग नहीं पा रहा था और फंस गया था। शायद यह वहाँ फंस ही गया होगा, क्योंकि वहाँ मजदूरों ने हाथ तो लगाया नहीं था, सांप देखते के साथ लोगों ने काम बंद कर दिया। और देख सकते हैं कोबरा अपना फन फैला चुका है और ये हमें वार्निंग दे रहा है कि अगर हम इसे ज़्यादा परेशान करेंगे तो ये फिर बाइट करेगा। यहाँ से देख पा रहे हैं ये अभी उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो हम लोग इसे ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, हल्का सा इसको मसाज करके कोशिश करते हैं इसके बोन सही कर दें। क्योंकि इसे भी दर्द हो रहा होगा दोस्तों। यहीं पर दबा है इसका, थोड़ा सा मालिश कर देंगे ना तो इसको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। क्या है हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं इसे थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने की, लेकिन क्या है ये एक्टिव है, ये अभी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, डब्बा निकालिएगा। अब हम इसको रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन रेस्क्यू करते करते एक जानकारी दे दे दोस्तों, कभी भी ऐसा कोई भी जहरीला सांप आपको बाइट करे सीधा सरकारी सदर अस्पताल जाए, धूल से भी झाड़ फूक के चक्कर में ओझागुनी के चक्कर में नहीं पड़े दोस्तों, वरना ओझागुनी के चक्कर में पड़ने पर क्या है आपका समय बर्बाद हो जाएगा और फिर जो है सांप का जहर बॉडी में फैल जाएगा और फिर आपकी जान चली जाएगी।
देख सकते हैं ये कोबरा अपनी लंबाई के आधा बराबर भी उठ चुका है। और ऐसे में क्या है, अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका है, ऐसे हमें लगता है कि पेन थोड़ा इसका कम हो गया है और ये अभी आराम से बैठ रहा है, भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं बड़े प्यार से। छोटा शैतान है, आजा बच्चा, आजा 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 मजाक नहीं बनाए हैं, हम भी उतना ही सीरियस हैं। तो दोस्तों आपने देखा, हमने अच्छी तरह से इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू कर लिया। ये एक जहरीला सांप है दोस्तों, जानलेवा सांप है, इसे भूल से भी खुद से ट्रीट करने की कोशिश ना करें, वरना एक छोटी सी मिस्टेक जो है आपको स्नेक बाइट करवा देगी और फिर स्नेक बाइट होने के बाद आपके जान भी जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत।